हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेखी वापीडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैं डिफेंस रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गया, टेरिटोरियल आर्मी, एसएससी जीडी या डिफेंस रिलेटेड पैरामिलिट्री, कोई भी आसाम पुलिस वगैरह, जो भी कोई भी डिफेंस के रिलेटेड वीडियो हो, मैं सभी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कराता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए साइड में जो बेल आइकन है उसमें भी प्रेस कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक बार फिर से गुड न्यूज़ लाया हूँ दोस्तों। इंडियन आर्मी का एक नया वैकेंसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ डिटेल में आप लोग को अभी समझाने वाला हूँ दोस्तों। ये जो भर्ती है, ये इंडियन आर्मी का भर्ती है दोस्तों। मैंने इंडिया में जितना भी स्टेट है या जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, मैं सभी का इस्ते वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने आपका स्टेट का या इस डिस्ट्रिक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल में देखिए, आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं आपको कौन सा पोस्ट मिलने वाला है सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आप लोगों को तीन पोस्ट मिलेगा, जैसे कि जनरल ड्यूटी का पोस्ट मिलेगा, सोल्जर टेक्निकल का पोस्ट मिलेगा और सोल्जर ट्रेडमैन का मिलेगा दोस्तों। ये जो सोल्जर ट्रेडमैन है, इसमें आप लोग को 10 पास वाला और 8 पास वाला दोनों का ही पोस्ट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो जनरल ड्यूटी के लिए जो एलिजिबिलिटीज है दोस्तों, उसमें आप लोग को दोस्तों जो जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबिलिटी सही है, उसमें आप लोगों को एज जो है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच तक आपका एज होना सही है। और दोस्तों जो हाइट है 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना सही है। जो वेट है वो 50 kg आपका वेट मिनिमम होना सही है, ठीक है। और सेस जो है 77 नॉर्मल सेस और 82 आप लोगों को, यानी कि 5 इंच आपको फुलाना पड़ेगा दोस्तों। जो जनरल ड्यूटी का ये क्वालिफिकेशन बारे में अच्छी तरह से सुन लो दोस्तों। आपका जो परसेंटेज क्लास 10 में, जो मैट्रिक में, जो क्लास 10 में आपका परसेंटेज 45 होना पड़ेगा और सभी सब्जेक्टों में आपको 33% होना ही पड़ेगा, तभी आप जीडी के लिए जा सकते हो दोस्तों। अगर आप ग्रेड टाइप होता है तो आपको C+2 ग्रेड आपका होना ही चाहिए, तभी आप स्पोर्ट्स के लिए जा सकते हो दोस्तों। पहले ऐसा होता था, अगर कोई भी कैंडिडेट 10 पास होता है तो उसका परसेंटेज अगर नहीं होता है तो अगर उसने HS कंप्लीट कर लिया तो उसको कोई भी परसेंट का जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको क्लास 10 में 45% सही ही सही है, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सोल्जर टेक्निकल है, उसमें आप लोगों को जो एज है 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच तक उसमें लेता है दोस्तों। हाइज 167 सेंटीमीटर, वेट 50 kg और 76 नॉर्मल सेस्ट और 81, यानी कि 5 इंच फैलाना पड़ेगा। अगर सोल्जर टेक्निकल में जाना चाहते हो, उसमें आप लोगों को जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 सही है। जो आप लोगों को साइंस का स्टूडेंट चाहिए, अगर आपको साइंस स्टूडेंट होना पड़ेगा तभी आप जा सकते हो इसमें, यानी कि दोस्तों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप जा सकते हो उसमें। आप लोगों को जो परसेंटेज है वो 50 सही है और सभी सब्जेक्टों में आपको 40% होना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सोल्जर ट्रेडमैन है, उसमें आप लोगों को 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच तक आप जा सकते हो। हाइट 168 सेंटीमीटर, 48 kg, वेट 76 नॉर्मल सेस्ट और 5 इंच आपको फैलाना होगा दोस्तों। जो ट्रेडमैन होता है उसमें आप लोगों को सिंपल सा 10 पास होने से हो जाएगा, लेकिन आपको अगर आप 10 पास में हो या 8 पास हो, आपका हो जाएगा सिंपल, लेकिन दोस्तों जो आपका 33% आपको मिनिमम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो 10 पास वाला है ट्रेडमैन में कोई भी पोस्ट में जा सकता है, लेकिन जो 8 पास वाला है वो सिर्फ हाउस कीपर एंड मैच कीपर पोस्ट के लिए ही जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी पोस्ट के लिए वो नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर रखा हुआ है दोस्तों, यानी कि जो ST कैंडिडेट है, यानी कि दोस्तों जो शेड्यूल कास्ट है, उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन मिलता है फॉर ऑल कैटेगरीज। जो कोई भी कैटेगरी से हो, जो ST कैंडिडेट है उनका हाइट है 162 सेंटीमीटर से चलेगा, 48 kg वेट चल जाएगा और 77 नॉर्मल सेस्ट और 82 तक फैलाना पड़ेगा जो ST कैंडिडेट है। उसके बाद दोस्तों आपका फादर वादर कोई भी या नौकरी करता है या जंग में वो डेथ हो गया, उसकी वजह से आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे हाइट में 2 इंच का, साइज में 1 इंच का, वेट में 2 kg का। दोस्तों जो इंडियन आर्मी का इंटरव्यू होता है उसमें आप लोगों को जो कोटा दोस्तों जो रिलैक्सेशन भर्ती है वो भी होता है, ठीक है। उसमें आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता है अलग से भगा देता है, अलग से रनिंग कराता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो NCC का भी फैसिलिटी मिलता है इंडियन आर्मी में, जब आप रैली में जाते हो, NCC स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या आपका फादर वादर कोई भी नौकरी करता है, उसकी वजह से भी बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस रैली में कौन कौन से जा सकते हैं दोस्तों वो देख लेते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफिस द हेडक्वार्टर्स द, ये दोस्तों जो पुणे जोन का भर्ती है, ठीक है, ये पुणे जोन का भर्ती है पुणे का। उसमें दोस्तों ये जो रैली होगा 4 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच तक ये रैली चलेगा, 4 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक। ये ऑल कैटेगरीज, ऑल
कैटेगरीज इन इंडिया। इंडिया का जो कोई भी अगर जाना चाहते हैं दोस्तों, इसमें इंडियन आर्मी का जो ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.IN यही वेबसाइट से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप लोग को 2 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच तक आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो होगा। यानी कि दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने बहुत क्लियरली आप लोग को वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख के आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। दोस्तों आपका होगा 2 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच तक होगा आपका ऑनलाइन अप्लाई। उसके बाद दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड आता है, जो आपने इंटरव्यू से पहले जो एडमिट कार्ड आता है वो आएगा 15 जनवरी में, आपका एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इतना आप देख सकते हो दोस्तों, आर्मी रिक्रूटमेंट हेल्ड एलिजिबल कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों इसमें डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, इसमें पुणे जा सकते हैं, अहमदनगर जा सकते हैं, उसके बाद उस्मानाबाद जा सकते हैं, उसके बाद लेतूर जा सकते हैं, ठीक है। यही डिस्ट्रिक्ट सिर्फ इसमें जा सकते हैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेडमैन एंड सोल्जर टेक्निकल का पोस्ट है, जो 4 दिसंबर से 4 फरवरी से लेके 30 फरवरी तक, 13 फरवरी तक आप लोगों को चलेगा, जो 2020 का, ठीक है। उसके वो दोस्तों कहाँ पर होगा, सैनिक विद्यालय में होगा, सैनिक विद्यालय में होगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा दोस्तों। 1 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच तक ऑनलाइन अप्लाई चलेगा, और 15 जनवरी से 25 जनवरी तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने लगेगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, इसमें जो इंडियन आर्मी में आप लोग को 1600 मीटर का रनिंग करना होता है, जिसमें अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड के बीच में आते हैं तो आप लोग को 60 मार्क मिलता है। 5 मिनट अगर 31 सेकेंड से 45 सेकेंड के बीच में अगर आप आते हो तो आप लोग को 48 मार्क मिलता है। उसके बाद दोस्तों बीम होता है, जैसे पुल अप्स जिसे बोलते हैं, अगर उसमें आप लोग को 10 सेट लगाते हो तो 40 मार्क मिलता है, 9 सेट लगाते हो 33 मार्क, इसी तरह से जितना सेट लगाते हो उतना मिल जाएगा। मिनिमम 6 आपको लगाना ही है तभी आप क्वालिफाइड हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 9 फीट का लॉन्ग जाप लगाना होगा दोस्तों, वो बहुत सिंपल है, सभी लगा सकते हैं। उसके बाद जिगजैग बैलेंसिंग होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट का वीडियो इतना क्लियरली बनाया है ना दोस्तों, एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो दोस्तों 5.2 मिलियन लोगों ने देखा है, यानी कि 52 लाख लोगों ने देखा है। एक बार आप भी विजिट कर लीजिए, मेडिकल के बारे में बहुत अच्छे तरह से मैंने समझाया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करते हैं, या रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउन करते हैं, एफिडेविट किस तरह से निकलते हैं दोस्तों, मैंने सब कुछ वीडियो बना के रखा हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में देखिए, सब कुछ वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो जितना आपका जो भी दोस्त है सबको ये वीडियो मिल सके। और दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।